लो भाई, वो आपको ये सिस्टम सुना देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई तुम्हारा भाई देखो आज तुम्हारे लिए लेके आया है मारुति की सियाज, जो कि भाई इस टाइम मिलती है नेक्सा में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बताते हैं गाड़ी कौन सी, मतलब कौन सा मॉडल है, कितने की पड़ी है, क्या क्या है। सबसे पहले भाई आपको मिलवाता हूँ गाड़ी के ओनर से, फिर भाई सारी डिटेल्स इसकी आपको शेयर करता हूँ। और भाई एक चीज़, मेन चीज़ जो इसमें है भाई, म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में ना अपग्रेडेशन हो रखी है, म्यूजिक का बहुत हाई एंड लगा रखा है, तो वो भी बताएंगे भाई। वो सब उसके लिए बने रहो वीडियो में, एंड में बताएंगे सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, उसके साउंड सुनाऊंगा, ठीक है। और बाकी बताते हैं भाई मारुति सियाज क्यों लिए है, जो भी है सब कुछ। तो लो भाई सबसे पहले मिलो गाड़ी के ओनर से। हाय, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंश है, ये मेरी गाड़ी है। आई गॉट दिस कार रिसेंटली ऑन 1st of April, और ये गाड़ी है सियाज बेसिक मॉडल सिग्मा। इसमें सबसे अच्छी बात है वाइडेस्ट लेग रूम है, आपको किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं मिलेगा वाइडेस्ट लेग रूम। सबसे अच्छा लेग रूम आता है, वाइडेस्ट लेग रूम मिलेगा। बाकी बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल में यू विल गेटिंग एवरीथिंग इन दिस मॉडल। टॉक अबाउट दिस इशू बेसिक, अब बात करते हैं पावर विंडो की, स्टीरियो सिस्टम, सब कुछ बेसिक मॉडल्स में ही आता है। तो भाई देखो सबसे पहले अंश भाई देखो ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो भाई सारी चीज़ें इसमें बता देंगे आपको, ठीक है। मगर भाई से देखो दो चार बार हम भी पूछेंगे। देखो पहली चीज़ भाई से पूछते हैं, भाई सियाज क्यों, क्या आप नेक्सा में हो इस वजह से सियाज, या फिर इसके कॉम्पिटिटर में और भी हैं जैसे होंडा सिटी हो गई? क्या कॉम्पिटिटर है होंडा सिटी, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन थोड़ी लग्जरी सेगमेंट की व्हीकल है, और लेगरूम थोड़ा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को लेगरूम अच्छा लगता है, और इसलिए मैं सियाज पे प्रेफर करता हूँ कि सियाज पे मैं गया। बाकी तो यहाँ पर और भी गाड़ियाँ हैं लेने के लिए, बेलिनो है, बाकी स्विफ्ट है, बाकी तो मैं इसी पे लेगरूम पे गया, तो लेगरूम वगैरह के हिसाब से। और बाकी भाई जैसे कि अब देख रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी मार्केट डाउन होती जा रही है, जैसे होंडा सिटी है और अपने जैसे वर्टस आ गई है, और भी इसके सेगमेंट की और भी गाड़ी आ गई है, मगर उसके बाद भी ये क्यों, बस एक लेग रूम का ही था या फिर और भी कुछ है? स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल के हिसाब से एक थोड़ा सेगमेंट अच्छा है, लगती है कि अप्रोचिव व्हीकल है, और सबसे बड़ी बात कहीं भी आप जाओगे तो लग्जरी। हाँ, जैसे कि आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज यही हो रही है, सबसे ज्यादा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी ऑफिसर वगैरह उन सबको गाड़ी रहती है। तो पसंद की बात है, मेरे को अच्छा लगा इसमें सिस्टम, मैंने बहुत अपग्रेड करा रखा है। तो भाई बात करें तो ये आपने कब लिए गाड़ी है? रिसेंटली मैंने एक अप्रैल को। तो ये अपना कौन सा मॉडल है? 2024 मॉडल है, सेम 1 अप्रैल को परचेज किया। अच्छा, मतलब ये अपना बेस मॉडल है या फिर बेसिक मॉडल है? सिग्मा मॉडल है। सिग्मा मॉडल 10 लाख रुपए कॉस्ट करती है, 10.5 लाख इस पर कॉस्ट करती है। तो इस पर तो खैर आपके थे क्या ही पूछूं, कोई वेटिंग वगैरह का तो कोई सिस्टम आपसे नहीं अवेलेबल थी? अवेलेबल थी, ठीक है। तो भाई इसमें अभी आपने सामने से भी कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करा रखी है, फिर ये सब कंपनी से ही है? नहीं, कंपनी से मैंने फ्रंट के फॉग लैंप्स लगा रखे हैं इसमें, बाकी एडिशनल हेड लैंप्स में इसमें LED इंक्लूड कर रखी है दोनों ऊपर। अच्छा, नीचे दोनों इसमें आपने मतलब LED वगैरह इंस्टॉल करा रखी है साइड से, दोनों अपर भी, नीचे बीम भी और फ्रंट भी दोनों LED। अच्छा, मतलब फॉग लैंप में भी और ऊपर भी, मतलब पूरा LED सेटअप कर रखा है, मतलब रात में दिन निकाल दो। अच्छा, तो ये पूरी गाड़ी पे मैंने अंदर सारे गेट्स पे, इस पे पूरी गाड़ी डैम्प्ड है। अच्छा, डैम्पिंग वगैरह करा रखी है क्योंकि म्यूजिक हाई एंड म्यूजिक लगा रखा है आपने इस वजह से। तो भाई अभी नॉर्मल में ये आवाज सुनोगे थोड़ी टकनी की आवाज आ रही है, बाकी गेट्स पे सुनोगे तो बहुत फर्क आता है। ये तो है भाई, देखो ये देखो। और तो भाई डैम्पिंग का ये तो फर्क जरूर पड़ जाता है गाड़ी पे, एक तो गाड़ी की ना, एक तो बाहर की, एक तो नॉइस कम हो जाती है, प्लस जो आप जो म्यूजिक लगा रहे हो ना उसकी जो क्लैरिटी आएगी ना वो एक निखर के आ जाती है कि हाँ भाई कोई कुछ चीज़ आपने लगाई है। आपने अभी अप्रैल में लिया, तो अभी एक डेढ़ महीना हुआ है, तो अभी तक कोई दिक्कत परेशानी लगी? कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत एवरेज क्लास में भरी है, 15-16 की एवरेज मेरे को दे रही है, अभी 15-16 की एवरेज दे रही है पेट्रोल में। अब तो पेट्रोल में आती है, डीजल में तो बंद है। और बाकी सर्विस वगैरह तो अभी इसकी एक आधी सर्विस हुई है 1000 किलोमीटर पर, 5000 की होगी, भी छड़ी ढाई जा रहा है, तो उस पर तो खैर क्या ही पूछा है, अभी उस पर तो वॉश करके देते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी चलो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ गाड़ी में आता क्या क्या है। तो भाई देखो फ्रंट से दिखा दूँ, तो फ्रंट से भाई देखो अपना यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें हेलोजन आता है, इसमें भाई ने LED इसमें अपग्रेड करा रखी है, ये इसमें फॉग लैम्प इसमें आता नहीं है, भाई ने ये बाहर से करवा रखा है, मतलब कंपनी से ही इंस्टॉल हो रखा है। मैं बाकी जो बता दे रहा हूँ जो आता है ये सब तो भाई कंपनी का, ये सब कुछ ये तो ठीक है। तो भाई फ्रंट से इसका कुछ ही हुआ, बाकी साइड से देख लो भाई, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते, स्टील रिम आते हैं। तो इसका भाई देखो टायर का साइज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखो 165 R15 इंच के इसमें है, ठीक है भाई। तो 15 इंच के से स्टील रिम आते हैं इसमें, बाकी ऑप्शन होता है इसमें अपना अलॉय व्हील अपग्रेड करा लो वगैरह करो। तो भाई अलॉय व्हील वगैरह का क्या कुछ है, कुछ मूड अभी ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, अलॉय का व्हील नहीं, व्हील बैलेंसिंग के लिए मतलब बहुत अच्छा रहता है, अगर ड्रिपिंग में आप कोई लॉन्ग ड्रिवन पर ड्रिप कर रहे हो तो सबसे अच्छे बेनिफिट, अगर लगाना है तो गो विद द कंपनी अलॉयस, बाकी कोई बाहर का अलॉय लगाने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं। बाहर का तो खैर देखो मैंने भी नहीं लगवा रखे, बाकी जो कंपनी से चीज है कंपनी की चीज लगाओ तो बेस्ट है, क्लास रहती है। सपोज करो एक क्रोमिंग आइटम लगा रखी है, क्रोम लगा रखे, कंपनी से कभी भी डल नहीं हुआ,
मैंने लगा रखा है कंपनी से लगा रखा। ये तो चाहिए जो भाई, जो कंपनी से जो चीज़ आपको मिल सकती है ना, वो आप आफ्टर मार्केट ढूंढते रहो, मिलेगी नहीं वो चीज़। और आफ्टर मार्केट में क्या है ना, अगर आप जो एलॉय वगैरह लगा लोगे तो उससे भाई बहुत नुकसान है। पहली चीज़ तो आपके एवरेज भी गिरा देगा, एवरेज गिराएगा, सस्पेंशन में फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ भाई, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता अपने को कि कहीं गड्ढे में तेज गई, कहीं गई दूर जा रहे हैं, चटक जाए, कुछ हो जाए, तो ये सब दिक्कतें तो रहती हैं। बाकी तो बाकी भाई साइड प्रोफाइल देख लो गाड़ी की, कुछ आती है भाई, काफ़ी लंबी है गाड़ी, ये लग्जरियस गाड़ी है। बाकी भाई इसका बूट स्पेस भी बहुत, अभी दिखाता हूँ, बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। बाकी इसमें अभी आपको इंटीरियर भी इसका चेकआउट करा देता हूँ एक बार। देखो भाई बैक से दिखाता हूँ गाड़ी की, बैक की प्रोफाइल ये आती है। तो भाई इसमें बैग में भी मतलब नॉर्मल अपने हेलोजन वगैरह आते हैं, इसमें एलईडी वगैरह का कुछ वो ऑप्शन नहीं है ना। मैंने एक रोम के आइटम जो एडिशनल ऐड ऑन कर रखे हैं, पार्ट ऑफ इसमें ब्लू नाइस ऑन दिस, बाकी लाइट्स नॉर्मल आती है चीज़ों के लिए। ठीक है, मैंने इसके लाइट ये रिफ्लेक्टर वगैरह लगा रखे हैं अपने। बाकी भाई कंपनी से आते हैं ये तो अपने ना, सब कुछ कंपनी से आते हैं, पावर रिवर्स पार्किंग सेंसर कंपनी से बटन मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी देख लो भाई सेम साइड इधर से, तो चलो भाई ऐसी चीज नहीं लगा रखी, पार्ट ऑफ मार्केट का कोई यूज नहीं लगा रखा मैंने, कोई मार्केट का सामान लगा रखा। चलो अब इसको एक बार आपको मैं इसका इंटीरियर चेकआउट कराता हूँ। तो भाई देखो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता अपना, नॉर्मल वही होता है। ठीक है, तो ये देख लो भाई यहाँ पे अपना ड्राइवर साइड में देखो भाई चारों पावर विंडो आते हैं। तो भाई ये बेसिक मॉडल से इनका स्टार्ट होता है, मॉडल से आता है ये, मैंने पार्ट ऑफ एसेसरीज में इन कंपनी से इंस्टॉल करा रखा है। जैसे कि ये बोडन फिनिश आता है इसमें, ये मैंने एक्स्ट्रा एसेसरीज के पार्ट ऑफ लगा रखे। ठीक है, ये हो गया, चारों गेट्स पे आ जाता है। तो लेदराइट सीट्स लगी हुई कंपनी फिटेड लेदराइट सीट्स विद बकेट फिटिंग, ये कंपनी फिटिंग है। बाकी भाई देख लो ये अपना भाई, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई को गाड़ी की क्लास है बैठ के। ये देखो, और ये भी अपना एडजस्टेबल ही आता है इसमें, बिल्कुल इलेक्ट्रिकली मूवेबल, अंदर से मूव कर सकते। तो ये है भाई देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपको लिटिल बिट मतलब थोड़ा थोड़ा बलिनो जैसा दिखेगा, जो पहले बलिनो आती थी थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है। स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल है, फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी देती है, मतलब अभी तो 9.7 के करीब दे रही है, तो इट गिव यू अराउंड 614 टू 13 माइलेज इन ड्रिवन, मतलब सिटी ड्रिवन में आपको 1415 के करीब माइलेज देगी देगी। तो भाई इसका एक वो सीन है क्या, जो स्मार्ट हाइब्रिड में क्या होता है कि 50-60 तक वो उसमें रहती है? नहीं, ऑटोमेटिकली वो दिस इज कॉल्ड फुली हाइब्रिड, ये फुली हाइब्रिड नहीं है, स्मार्ट हाइब्रिड है। ये रेड लाइट पे 90 सेकंड के लिए कट ऑफ हो जाता है इंजन, तो अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी आपको बचाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये सीन है देखो स्मार्ट हाइब्रिड का। ठीक है, बाकी भाई इसमें 8000 RPM तक वो आ जाता है, बाकी टॉप स्पीड इसकी 220 आ जाती है। बाकी सामने देख लो भाई ये उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, इसके साथ ऑडियो माउंटिंग कंट्रोलर, स्टीयरिंग पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको फीचर्स मिलेंगे बेसिक मॉडल से। तो भाई देख लो इसमें ज्यादा चीजें मेरे को बतानी नहीं पड़ेगा भाई, इसमें आपको खुद ही बता देंगे, क्योंकि भाई देखो उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो भाई को देखो इसमें मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, बाकी देखो भाई सेंटर इसका बिल्कुल उसमें वो आता है, इसमें कुछ कंसोल सिस्टम आता है, लेकिन मैंने म्यूजिक सिस्टम के अनुसार ये पाइनियर का सिस्टम लगा रखा, क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा आता है। क्योंकि भाई देखो जो जो भाई ने, अगर जो जो भाई म्यूजिक का शौकीन होगा ना, उसको भाई को पता होगा पाइनियर सबसे बेस्ट है म्यूजिक के लिए, सबसे बेस्ट इसके आउटपुट उसका बहुत अच्छा है भाई इस वाली इन सीरीज का। बाकी भाई इसमें देख लो ऑटोमेटिक एसी वगैरह नहीं आता, नॉर्मल आता है। बाकी यहाँ पे देखो चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ मिल जाता है प्लस। ओहो ये देख लो भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ लगी है भाई, मतलब अपना अलग चीज़ रहेगा। बाकी भाई यहाँ पे देख लो वही अपना ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला वो फीचर आ जाता है। और बाकी तो भाई ग्लोव बॉक्स इसका नॉर्मली कूल ग्लोव बॉक्स तो नहीं है, बाकी हैंड ब्रेक हैंडल्स वगैरह तो आता ही है। तो बाकी भाई देख लो इसका स्पेस तो भाई गाड़ी में जैसे बहे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है भाई इसमें। तो भाई एक चीज़ आपको और दिख रही होगी, ये देख लो भाई ये जेड ब्लैक का क्या सीन है भाई ये तो थोड़ा मतलब तो देखो भाई इसका ये सीन ही है सीधा सा भाई, देखो भाई को शौक है तो उन्होंने अपने शौक के हिसाब से करा रखा है। तो बाकी भाई रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से कि आप देखा देखी में लगा लो, ये तो भाई अपने अपने उसके ऊपर है, अगर आप चला सकते हो तो चला लेना। बाकी भाई इससे ये है कि भाई गर्मी में ये की है कि भाई थोड़ी गाड़ी चिल्ड रहती है, हाँ चिल्ड रहती है गाड़ी भी, और भाई थोड़ा लुक भी अच्छा रहता है इसे तो लुक्स की भी अच्छी डिफरेंस करती है। तो भाई अब मेन चीज जिसके लिए भाई जो बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या आपने म्यूजिक में अपग्रेड करा रखा है, पहली बात तो इसमें कुछ भी आपको वायरिंग एडिशनली बाहर नहीं दिखेगी, चारों गेट्स पे ओनली मिड के लगे हुए हैं, डेपरॉन के मिड लगे हुए हैं, इसमें दो पीछे क्यूटर लगे हुए हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, टोटल सिर्फ मात्र 6 स्पीकर लगा रखे गाड़ी में, 6 स्पीकर से ऊपर कोई 7वां स्पीकर नहीं है गाड़ी में, चारों गेट्स पे स्पीकर लगा रखे, वो आपको आगे वीडियो में साउंड पता चल जाएगा। पीछे दो बूफर लगे हुए हैं, बूफर के बाद एक सीट के नीचे DSP लगा हुआ है, DSP के बाद दो मोनो लगे हुए हैं, मोनो के बाद एक एक्स्ट्रा चैनल के लिए एम दे रखा है एक्स्ट्रा SND का, तो ऑलरेडी सिर्फ स्पीकर्स को कनेक्ट कर रहा है, पीछे दो बूफर अलग से लगा रहा है, किसी की वायरिंग अलग है, कोई भी सेपरेट वायरिंग है, कोई भी गाड़ी पे एक भी गाड़ी की वायरिंग सीट से लेकर अपर नीचे तक कुछ भी नहीं दिखेगी, तीन वायरिंग के तीन कॉम्पोनेंट अलग डले हुए, प्लस दो ऊर्जा लगे हुए, साइरेंस लगे हुए पीछे फ्रंट बोनट पे और बैक बोनट के नीचे, वो अलग से सेपरेट वो भी आपको सुना देंगे अभी हम। तो उस पर हमने म्यूजिक डलवा रखा है, फिर साइरन है, साइरन लगा हुआ रखा है नॉर्मल।
ठीक है, तो अभी आपको वो भी सुना देते हैं। बाकी भाई देख लो, ये सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं होती, ये सब अपने शौक के ऊपर होता है और अपने उस पर है, ठीक है। प्लस भाई जो आपने स्पीकर लगा रखे, आपने किसके बताए अपने भी? ये मिड कंपनी के डेपोनेंट लगे हुए, चार गेट। कितने के पड़े थे आपको? एक कॉस्टिंग 90,000 रुपीस करता है, 19,000 रुपए कॉस्ट करता है। अच्छा, और अपने ये ट्विटर बुलेट ट्विटर करीबन करीबन 15,000 रुपए के ट्विटर होंगे। सिर्फ 6-7 टोटल 6 स्पीकर लगे, चार गेट पे और 2 उसी पे, और नीचे एक डीएसपी लगा हुआ है। दो आप जिस सीट के नीचे बैठे उसके नीचे एम्प लगा हुआ है, एक पीछे एम्प छुपा रखा है। कोई भी वायरिंग कहीं भी किसी भी चीज पे आपको, बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लोग गाइस, आप ये देख लो भाई, वायरिंग देख लो, वायरिंग आपको कहीं से कहीं नहीं दिखेगी। बाकी देख लो भाई, ये हाँ एक एम की प्लेसमेंट है, यहाँ रखी है, और यहाँ देख लो भाई कोई वायरिंग नहीं दिखेगी आपको। तो भाई देखो, काम कराओ तो जेन्युइन तरीके से कराओ, जैसे भाई ने करा रखा। देखो कोई वायरिंग का इसमें कहीं से कहीं कोई लोचा नहीं है। और बाकी भाई देख लो, स्पेस देखो इस गाड़ी में कितना स्पेस है, मतलब इसके बाद भी भाई ने इसमें दो वूफर इंस्टॉल करा रखे हैं, उसके बाद भी देखो कितना स्पेस है इसमें। तो अभी आपको इसके भाई आगे की आवाज़ सुना देता हूँ। बाकी इसमें लो भाई, एक बार आपको ये सिस्टम सुना देते हैं। तो भाई इसमें आहूजा का इंस्टॉल करा रखा है आपने, ओरिजिनल आहूजा इसमें इंस्टॉल करा रखा है। अब आपको भाई इसमें म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देगी, 1, 2, 3। तो भाई ये देखो भाई, ये है जिमी। तो भाई आप लोग कमेंट बता देना अगर इसका व्लॉग चाहिए होगा आपको, इसका रिव्यू चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना। तो भाई इसको अंश भाई करेंगे रेंज, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई अंश भाई, अभी ये बताओ इस गाड़ी पे आपने टोटल अभी तक कितना, मतलब टोटल कितने की गाड़ी पड़ी आपको सब कुछ काम वाम कराने के बाद? 10 लाख रुपए की अप्रॉक्स की गाड़ी है, ठीक है। ऊपर से मैंने करीबन करीबन इसमें 2 लाख रुपए करीब लगा दिया होगा, तो मतलब आपने इसमें 12 लाख रुपए अभी तक लगा चुके हैं इसमें। तो भाई आप 12 लाख रुपए इसमें लगाने के बाद संतुष्ट हो, मतलब सेटिस्फाइड हो? थोड़ा सा संतुष्ट और करना है, अभी मैंने इसकी रूफ ले कर रखी है, रॉयल्स रॉय वाली रूफ रॉय करा रखी है। अच्छा, मतलब जो आपको रूफ चेंज करानी है इसमें, मतलब जो लाइट वाली जो आती है यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक रूफ ब्लैक हो जाएगी। अच्छा, 2-3 काम इसमें और होने हैं अभी ठीक है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो हाँ, बाकी देख लेना भाई, जुड़े रहोगे तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे जो जो इसमें चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बाकी भाई देख लो, यही होता है, अपने अपने लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी गाड़ी भाई तैयार करते हैं। बाकी भाई आप लोगों को पता है, गाड़ी और घर में जितना मर्जी पैसा लगा लो उतना कम है, उतना शौक पे जितना कराना चाहे उतना करा लो। तो भाई आप एक चीज़ और बताओ कि भाई अगर कोई बंदा अगर गाड़ी लेने के लिए सोच रहा है, 10-12 लाख रुपए का लगाना चाह रहा है, तो आप इसे रिकमेंड करना चाहोगे सीएस गाड़ी? बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूंगा, बेसिक मॉडल लेके थोड़ा सा अपडेट करा सकता है। अगर ये सिस्टम ना लगाना चाहे, थोड़ा बहुत ये सीरीज लगा के वो अच्छे क्लारी के क्लास बना सकते हैं। एवरेज के मामले में अच्छी गाड़ी है, कोई वो नहीं है, और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं कॉस्ट करती आपको। अगर लोन भी कराते तो 2-3 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके आपको गाड़ी मिल जाती है। तो भाई ये सीन है। और भाई अगर किसी भाई को अगर नेक्सा से कोई भी गाड़ी परचेज करनी हो तो भाई आप अंश भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, भाई अपने अक्षरधाम वाले शोरूम पे बैठते हैं। बाकी भाई एक बार अपना बता दो, इनके थ्रू आओगे चैनल को सब्सक्राइब करके आओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट डिस्काउंट ऑन दैट कार। तो भाई एक बार आप अपना नाम और नंबर वगैरह। नाम अंश है, मेरा नंबर है 9711057651। तो भाई अक्षरधाम वाले शोरूम पे बैठते हैं। अगर भाई किसी को कुछ भी अगर कोई भी सोचना भी है, मिलना भी है, तो आप आके मिल लेना, अपना बातचीत कर लेना कोई भी अगर गाड़ी वगैरह का, ठीक है। तो भाई इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। और भाई अगर ये व्लॉग आपने यहाँ तक देखा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और चैनल पे नया आए तो भाई शेयर कर दो। और अगर भाई ऐसे आपको व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। तो भाई इस व्लॉग के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड।